Hyundai Kona EV launched at ₹25.3 lakh. यार इतने पैसों में तो मुझे MG Hector, Tata Harrier, Jeep Compass या फिर Hyundai की Tucson भी मिल जाएगी। कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना आप लोग? Well, मेरे मन में दो और सवाल आ जाते हैं। Number one, अगर इस गाड़ी से मैं वो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी हटा दूं, तो क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि इसके राइवल्स के ऊपर मैं इसे चुनूं? और दूसरा सवाल, अगर नहीं तो ये गाड़ी किसके लिए बनी है? Welcome to Car Dekho, where we help you pick the right car right now. कुछ सवाल जवाब करके इसी बात को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या ऐसी गाड़ी के साथ में आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस एक पेट्रोल या डीजल इंजन गाड़ी के मुकाबले बेहतर होगा? और अब बारिश का मौसम हो ही गया है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर हमारे रास्ते पानी से भर जाए तो तब इलेक्ट्रिक कार के साथ में क्या होगा? वेल, इलेक्ट्रिक कार के साथ में एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉक का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप तो इसमें है नहीं, पानी अंदर जाकर के पिस्टन या फिर ब्लॉक को डैमेज कर ही नहीं सकता है। और अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप बंद हो जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, बैटरी पैक जो है वो पूरी तरीके से सील्ड है, इनफैक्ट इसका वाटरप्रूफ रेटिंग है IP67 का। तो बारिश के समय पे हालांकि इसके साथ आप ऑफ रोडिंग या फिर फ्लड के थ्रू ड्राइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा एक आम गाड़ी की तरह, इंजन जो है एक पेट्रोल या डीजल इंजन के मुकाबले रिस्क इलेक्ट्रिक कार्स में एक्चुअली कम है। अब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का क्या? वेल, आपको ये बात जानकर खुशी होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल या फिर डीजल इंजन के मुकाबले मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एक्चुअली कम है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स उतने नहीं होते। तो फिर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऐसे सब कंपोनेंट्स या फिर इंजन ऑयल भी आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो बाय एंड लार्ज इसमें जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स है वो है ब्रेक्स, टायर्स, लेड एसिड बैटरी और बैटरी कूलेंट, जिसका चेंज हो जाता है 55,000 से 60,000 किलोमीटर के पास में। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिक कार का जो है पेट्रोल या फिर डीजल इंजन के मुकाबले कई गुना कम है। अब Hyundai Kona Electric के साथ में आपको चार्जिंग ऑप्शंस क्या मिलते हैं? बट ऑप्शंस आपके पास टोटल तीन हैं। नंबर वन है ये DC फास्ट चार्जिंग, और जैसे कि आप इसका साइज देखकर समझ गए होंगे ये घर पे सेटअप करने के लिए मुश्किल ही नहीं, काफ़ी महंगा भी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 0 to 80% चार्ज टाइम देख रहे हैं तो फिर इसमें सिर्फ 57 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि ये आपके घर पे सेटअप नहीं होगा, आपको देखने मिलेगा Hyundai के शोरूम्स में, सर्विस सेंटर्स पर और कुछ हद तक IOCL यानी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पर भी Hyundai एक टाई अप करके ऐसे सेटअप वहाँ पर लगवा देगी जिसके थ्रू आप फास्ट चार्ज करवा सकते हैं अपने Kona को। लेकिन मेन सेटअप जो है वो है ये एक 7.2 kW wallbox चार्जर जो एक थर्ड पार्टी के थ्रू आपके घर पे सेटअप किया जाएगा। इसके थ्रू अगर आप 0 to 100% चार्ज टाइम देख रहे हैं तो फिर लग जाते हैं 6 hours and 10 minutes, और एक घंटे के लिए चार्ज करके आपको 50 किलोमीटर की एडिशनल रेंज भी मिल जाती है। अब इस सिस्टम में के लिए एक सवाल आ जाता है कि क्या अगर मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ तो फिर उसके लिए आपको एक कम से कम एक स्टिल्ट पार्किंग की जरूरत तो लग जाएगी, और उसके लिए आपको सोसाइटी से परमिशन भी लेना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन जो है वो है एक पोर्टेबल चार्जर 2.8 किलोवाट्स का, जिसमें लग जाते हैं 19 घंटे फॉर अ 0 to 100% चार्ज। लेकिन ये एक लास्ट मिनट और अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्योंकि ये लग जाता है आपके घर के 3-pin 15 amp चार्ज पॉइंट पे भी, तो इट्स नॉट द आइडियल सोल्यूशन। लेकिन और कुछ चार्ज ऑप्शन अगर आवास नहीं है तो फिर वो पोर्टेबल चार्जर करके आप अपने Kona को भी चार्ज करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इन तीनों सिस्टम्स के साथ में काफ़ी अच्छी वर्सेटिलिटी मिल जाती है। अगर आपको रोड ट्रिप्स पर जाना हो तो Kona EV में आपको क्लेम रेंज भी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन रोड ट्रिप्स के लिए दिक्कत ये है कि आप वॉल बॉक्स चार्जर को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, तो या तो आप फास्ट चार्जर स्टेशन पर निर्भर हैं या तो आपको अपने पोर्टेबल चार्जर के साथ दिन भर का सब्र भी ले जाना पड़ेगा, तो रोड ट्रिप्स आप अनप्लान्ड शायद नहीं कर पाए। अब बैटरी लाइफ का क्या? पेट्रोल और डीजल कार की तरह बैटरी और मोटर का लाइफ आपके ड्राइविंग स्टाइल और कार केयर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन Hyundai अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको पीस ऑफ माइंड देने के लिए। Kona EV के साथ आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर और बैटरी पैक पर 8 साल और 1.6 लाख किलोमीटर का वारंटी मिलता है एज स्टैंडर्ड। कहने को तो ये रीसेल वैल्यू के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसी गाड़ी के लिए रीसेल वैल्यू का अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते। फिलहाल Kona पर किसी बायबैक प्लान की बात भी नहीं हुई है, तो रीसेल वैल्यू के मामले में नो गारंटीज। अब ये गाड़ी की प्राइस है 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा, तो क्या ये 25 लाख रुपए वाली गाड़ी स्टेटमेंट बनाती है? मेरे बगल में तो कोई भी गाड़ी छोटी लगती है, तो आपको एक बेहतर साइज रेफरेंस दे देते हैं Hyundai i20 के साथ में। तो आप बगल में देखेंगे तो फिर यस, द Kona इज नॉट दैट मच लार्जर देन द एवरेज हैचबैक और मिड साइज SUV। लेकिन एक साइज रेफरेंस अगर आपको देना हो तो फिर ये पड़ता है वेन्यू और क्रेटा के बीच में। वेन्यू के मुकाबले इनफैक्ट इस गाड़ी की हाइट कम है, हालांकि लेंथ, विड्थ और व्हील बेस ज़्यादा है, और क्रेटा के मुकाबले ये गाड़ी ज़्यादा चौड़ी है और इसकी व्हील बेस भी क्रेटा से बड़ी है। लेकिन लेंथ और हाइट के मामले में Kona इज स्मॉलर देन द क्रेटा।
तो ओवरऑल ये गाड़ी का जो स्टेटमेंट बनाने वाला फैक्टर है वो इसके साइज के साथ नहीं है, कुछ हद तक डिजाइन के साथ जरूर है, लेकिन जिसका जो फैक्टर है, जो स्टेटमेंट बनाने वाली है इस गाड़ी के लिए, वो है रेरिटी, क्योंकि ये गाड़ी आपको भर भर के भारत के रस्तों पर नहीं देखने मिलेगा। यूनिक डिजाइन के साथ आपको कई फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे 17 इंच के एलॉय व्हील्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स और एलईडी टेल लाइट्स भी। और फीचर्स के मामले में कोना ईवी अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर दे जाता है, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स भर भर के दिए हैं। इनमें शामिल है 10-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक सनरूफ और एक 8-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। लेकिन वेन्यू की तरह ब्लू लिंक आपको इंडिया स्पेक कोना ईवी में नहीं मिलता है। लेकिन फैमिली कार के तौर पे क्या कोना ईवी अच्छा ऑप्शन है? प्राइसिंग के मामले में कोना ईवी 200 के बराबरी पे है, मगर कैबिन स्पेस और बूट स्पेस में कोई मुकाबला नहीं है। हाइट अगर 6 फुट की भी हो तो रियर सीट के लो पोजीशनिंग की वजह से अंडर थाई सपोर्ट कम पड़ जाती है और नी रूम भी इसमें बस काफी है, इंप्रेसिव बिल्कुल नहीं। बूट स्पेस भी कोना में सिर्फ तकरीबन 334 लीटर की है, तो फैमिली के लिए लगेज स्पेस भी एवरेज है। लेकिन जब बात ड्राइव एक्सपीरियंस की हो तो कोना ईवी काफी मजेदार है। अब हमारी ड्राइव रिव्यू हो रही है बुध इंटरनेशनल सर्किट पे, तो आपको एक एक्सटेंसिव ड्राइव अपडेट तो यहाँ पर देकर के कुछ मतलब ही नहीं है, ये रेस कार नहीं है। लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन अगर बता दूं तो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जो बहुत ही इंट्रीगिंग पॉइंट है वो है इनकी ड्राइव एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो आप पकड़ेंगे वो है गाड़ी की एब्सोल्यूट साइलेंस। अगर आम डीजल इंजन की रिफाइनमेंट ये लेवल पे है आम पेट्रोल की, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक कार की रिफाइनमेंट, स्मूथनेस और क्वाइटनेस के लिए सनरूफ खोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में दूसरी जो एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है उनकी टॉर्क डिलीवरी। अब आमतौर पर जब आप कोई भी स्पेक शीट खोलेंगे गाड़ी की तो फिर टॉर्क के बाद में एक फिगर लिखा जाता है कि 400 Nm, 300 Nm एट X RPM। इलेक्ट्रिक कार्स के केस में आपको टॉर्क जो है वो तुरंत मिल जाती है, तो आपको रेड लाइन नाम की चीज तक खींचना नहीं पड़ता है। तो अगर आप, मैं एक्सेलेरेटर को प्रेस कर देता हूं, टॉर्क एकदम इंस्टेंट है। तो हालांकि इसका पावर फिगर जो है 136 PS वो इतना ज्यादा नहीं है, टॉर्क फिगर जो है 395 Nm का वो आपको तुरंत मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका 0-100 स्पीड भी लगभग 9.7 सेकंड्स के पास में, जो एकदम इंप्रेसिव भी नहीं है लेकिन किसी हिसाब से स्लो भी नहीं है। एक और बात जो इलेक्ट्रिक कार्स और Hyundai Kona स्पेसिफिकली में बहुत ही अच्छा लगता है वो है ड्राइविंग की स्मूथनेस, क्योंकि इसमें कोई गियरबॉक्स नाम की चीज ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है। तो जितना आप थ्रॉटल डायल इन करते हैं उतना ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ होने के अलावा बहुत ही प्रेडिक्टेबल लगती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार है, नया पावर ट्रेन है, क्या इसको मैं एक स्ट्रेंजर लगेगा, कि क्या ऐसी गाड़ी को मैं समझ पाऊंगा ठीक से, तो इस बात का आपको बिल्कुल भी डर लगने की वजह ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंट्यूटिव है। ये मेरी जिंदगी में दूसरी इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूं और ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगती है एक पेट्रोल कार ओनर होने के बावजूद। इस गाड़ी में एक और स्पेशलिटी है और वो है सिंगल पेडल मोड। अब ये क्या है, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स क्यों है जब कोई गियरबॉक्स नहीं है, तो इसके थ्रू आप सिंगल मोड गाड़ी बना सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं गियरबॉक्स को नहीं लेकिन आपकी ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन को। तो लेफ्ट साइड के पेडल को अगर मैं फ्लिक कर दूं तो एक 3 लेवल तक का ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन मिलता है। तो उससे क्या होता है कि एक्सेलेटर दबाने के बाद में अगर मैं छोड़ दूं, आम गाड़ियों में वो कोस्टिंग मोड पे जाती है तो आपकी स्पीड ज्यादा रफ्तार से गिरती नहीं है, लेकिन अगर इसके मैं लेवल 2 लेवल 3 पे कर दूं तो थ्रॉटल छोड़ने के बाद में तुरंत आपकी ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन की वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। तो समझ लीजिए कि आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपको बार बार एक्सेलरेटर से ब्रेक पर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकिंग आपको ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटर छोड़ने के बाद ही मिल जाती है, विच इज वाई वो बोलते हैं कि इसमें सिंगल पेडल मोड है। और यहाँ पर रेस ट्रैक पे चलाने के समय तो ये ऑलमोस्ट गियरबॉक्स की तरह ही चलती है, क्योंकि अगर मैंने फ्लिक करके इसका मोड बढ़ा दिया, ज्यादा इंटेंसिव बना दिया, तो फिर मुझे भी कॉर्नर्स पे एंटर करते समय ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेक एनर्जी रीजन है वो एकदम झटकेदार या फिर एनफोर्सिंग नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे एंगेज हो जाए कि आपके पीछे कोई गाड़ी हो तो वो पैनिक होकर कि उनको जोर से ब्रेक दबाना पड़े। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, और एक तरीके से जो यूजेबल फंक्शन है ये रियल वर्ल्ड में भी इट इज एक्चुअली यूजेबल। अब एक और सवाल जो बहुत लोग के मन में आया है कि Hyundai Kona EV इंडिया में इस गाड़ी की रेंज 452 किलोमीटर कैसे है, क्योंकि इंडिया में तो हमें लोअर 39.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स में क्लेम्ड रेंज है अराउंड 315 से 350 किलोमीटर के आसपास में।
फर्क जो है वो है टेस्टिंग मेथड में. जो इंटरनेशनल मार्केट टेस्टिंग है यूरोपियन यूनियन में एनईडीसी के मुताबिक, उसमें एवरेज स्पीड और टॉप स्पीड दोनों की टेस्टिंग ज्यादा होती है. तो एवरेज स्पीड एनईडीसी के टेस्टिंग के हिसाब से 34-35 किलोमीटर पर आवर होती है और टॉप स्पीड टेस्ट जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पे जाती है. एआरआई के टेस्टिंग में ये मेथड से टॉप स्पीड कभी भी 50 किलोमीटर पर आवर के आगे जाती नहीं है. तो अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज देखें बियॉन्ड द क्लेम्स, तो फिर भी आपको 300-350 किलोमीटर का रेंज ऑन अ फुल चार्ज आप निकाल तो पाएंगे. यानी कि एक हफ्ते भर का जो कम्यूट है वो एक बार आप वीकेंड पर चार्ज करके इस गाड़ी से निकलवा सकते हैं. तो जो क्लेम है वो तो थोड़ा टॉल है, रीच करने के लिए मुश्किल है, लेकिन अनरियलिस्टिक, अनयूजेबल इन द रियल वर्ल्ड, दैट्स नॉट द Hyundai Kona. इंडिया स्पेक कोना के सस्पेंशन सेटअप में इंटरनेशनल मॉडल के मुकाबले कुछ ट्यूनिंग चेंजेस है. राइड क्वालिटी बुध इंटरनेशनल सर्किट के मुलायम रास्ते पे तो बिल्कुल कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन राइड क्वालिटी पर कमेंट रियल वर्ल्ड टेस्ट के बाद ही करना सही होगा. अब ढूंढते मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब, क्या इस गाड़ी में ऐसी कोई बात है जो अपने पेट्रोल और डीजल ड्राइवर्स के मुकाबले ये उस मामले में बेहतर हो? वेल, नॉइज इंसुलेशन के मामले में बिकॉज देर इज नो इंजन नॉइज, ऑफकोर्स ये गाड़ी बेहतर है. और ड्राइविंग यूजेबिलिटी की बात करें या फिर फीचर्स के मामले में ये अपने पेट्रोल और डीजल ड्राइवर्स को अच्छे से टक्कर दे देती है. लेकिन अगर हम फैमिली कार के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैबिन स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, बूट स्पेस, इन सब मामलों में ये अपने राइवल से मार खा जाती है. अब ये गाड़ी किसके लिए बनी है? ये गाड़ी उनके लिए बनी है जो चाहते हैं एक इको फ्रेंडली कार, और उनको ब्रैगिंग राइट्स चाहिए कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्टर्स में से एक हम है. तो ये गाड़ी की शुरुआत होगी एज पॉसिबली द सेकेंड और थर्ड कार इन द फैमिली. लेकिन जब आप इसके वारंटी को देखें, चार्जिंग ऑप्शंस को देखें और क्लेम्ड रेंज को अगर आप डिस्काउंट भी कर दें, तो फिर इसमें आपको हफ्ते भर की यूजेज के लिए एक चार्ज पे काफ़ी वर्सिटिलिटी भी मिल जाती है. तो शायद शुरुआत में इसका किरदार होगा एज अ सेकेंड और थर्ड कार इन द फैमिली, लेकिन एक बार इसके बेनिफिट्स को आप चखके देखें, इलेक्ट्रिक कार्स के कॉस्टिंग बेनिफिट्स को भी आप देखें, साइलेंस को देखें, इमीडिएसी ऑफ टॉर्क को देखें, तो फिर उस समय पे शायद से एक दिन कोना जैसी गाड़ी आपके फैमिली की ओनली और प्राइमरी कार बन सकती है. दिस इज अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया.